यार दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया 8 अक्टूबर 2019, जिसका हमें सालों से इंतजार था। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंच चुके हैं फ्रांस रफाल विमान की पहला हैंडओवर लेने के लिए। दोस्तों, रफाल विमान आने के बाद हमारे देश की वायुसेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेना में से एक हो जाएगी, और वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की वायुसेना पूरी दुनिया में नंबर 1 एयरफोर्स बनने वाली है। हाँ दोस्तों, इसी की राह में चलते हुए रफाल विमान भारत में पहुंच रहे हैं, और इसके बाद हमारे देश से हमारे पड़ोसी जो हमें परेशान करते थे, खास करके पाकिस्तान और चाइना, थर थर कांपेंगे हमारे देश की वायुसेना से, और 1,00,000 बार सोचेंगे हमारी तरफ नजर उठाने से पहले। तो आइए दोस्तों, आगे आपको बताएंगे रफाल विमान की सारी खूबियों के बारे में। बने रहिए YT भारत पर, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये शुरू करते हैं दोस्तों। राफेल फाइटर जेट आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा, जिसके लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस के दौरे पर जा चुके हैं। इसी दौरान राफेल के टेल नंबर से जुड़ी हुई बेहद रोचक जानकारी सामने आई है। टेल नंबर RB-01 का नाम भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया के नाम पर रखा गया है। आइए जान लेते हैं राफेल विमान की विशेषताएं। भारत की वायुसेना के पास अदम्य साहस है, लेकिन यह साहस नई तकनीकी के अभाव में कम हो सकता है। इसलिए इस ताकत को नई उड़ान देने के लिए भारत सरकार फ्रांस से 36 राफेल जेट विमान खरीद रही है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो कि भारत की बूढ़ी होती वायुसेना को नई ताकत प्रदान करेगा। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए वर्ष 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका के F-16, F-18, रूस के MiG-35, स्वीडन के ग्रिफिन, फ्रांस के राफेल और यूरोपीय यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की गई थी। 27 अप्रैल 2011 को परीक्षण की आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए गए, और अंततः 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफेल को दे दिया गया था। ज्ञात है कि भारत परंपरागत रूप से अपनी वायुसेना की ताकत को रूस से खरीदता हुआ आया है। लड़ाकू विमान जैसे MiG-27, MiG-35, MiG-35 से बढ़ाता रहा है, लेकिन अब भारत इस प्रथा को बदल करके फ्रांस में बने अत्याधुनिक राफेल विमान को खरीदने का सौदा पूरा कर चुका है। राफेल हवा से हवा में मार करने वाला, परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ साथ हवा में हवा से मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगाया गया है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजिशन खोल देता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय पर भांप सकता है, और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख करके दुश्मनों को बहुत ही पास से समाप्त कर सकता है। राफेल विमान की अन्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। यह 36,000 फीट से लेकर के 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, 1 मिनट में 50,000 फीट पर यह पहुंच सकता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइल ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है।
राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर, जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। भारत को अब पांचवी पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकी के विमानों से ज्यादा उस पर निर्भर नहीं रह सकता। तो आप समझ गए होंगे कि भारत ने राफेल विमान क्यों खरीदा है और इसके आने के बाद भारत की वायुसेना किस तरह से दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक हो जाएगी। बने रहिए वाइब्रेंट भारत चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।